पहुंच गए हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मेट्रो स्टेशन से। अभी हम बाहर आए तो इस तरफ एरो दिया हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पाथ करके, सो अभी जा रहे हैं, देखते हैं। सामने एक मॉल जैसा दिख रहा है, इसमें क्या है देखते हैं। बट फाइनली हम लोग जाएंगे जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मेमोरियल है उसको देखने का हम लोगों का प्लान है। सो अभी ये सामने एक मॉल जैसा दिख रहा है, इसमें देख लेते हैं पहले क्या है। और ये मेट्रो स्टेशन के साथ जुड़ा हुआ है। अभी हम लोग एक तरह से आउटसाइड नहीं गए, मेट्रो स्टेशन से एक एग्जिट था वो सीधे हमें इस मॉल पे ले आया, तो देखते हैं इसमें क्या है। तो ये जगह जो है, अच्छा ये एक बहुत बड़ा मॉल प्लाजा टाइप का है, ये देखिए। अच्छा ये कुछ नया बना है यहाँ पर, ये देखिए ये रूफ बड़ा ही यूनिक है और ऊपर भी लोग जा रहे हैं। और देखिए यहाँ से आपको दिखाता हूँ, नीचे भी लोग हैं और बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा लग रहा है। अच्छा ये एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्टेशन ही है क्योंकि वहाँ सामने दिख रहा है पाथ ट्रेन टू न्यू जर्सी। सो ये एक कॉमन हॉल है, इसमें देखिए चारों तरफ जो है शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, एक बहुत बड़ा मॉल टाइप का है। और इसके चारों तरफ से अलग अलग जगह जाने के लिए सबवे और ट्रेन का डायरेक्शन दिया हुआ है। तो ये है ओवरऑल एरिया और हम लोग आए इधर से, ये है हम लोगों जहाँ से आए वो वाला एरिया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ये सब शॉप्स हैं यहाँ का। डिजाइनर शॉप्स हैं, थोड़े हाई एंड ही हैं, हाई एंड शॉप्स हैं, काफ़ी साफ सुथरा रखा है जगह को। ये सामने एप्पल का लग रहा है कि रिटेल स्टोर है। ये देखिए ये एप्पल का रिटेल शॉप है। अंदर सारे एप्पल के प्रोडक्ट, ये भी बड़ा शॉप है, ये बड़ा रिटेलर है ये। तो आपको यहाँ से पूरा व्यू मिलेगा पीछे का, जो ये सेंटर है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इसका। और जैसे मैं सीढ़ियों से ऊपर आ गया तो ये टॉप से व्यू है पूरा, जो ओपन बीच में सेंटर एरिया है उसका। सो ये बनाया गया है ग्राउंड ज़ीरो के बिल्कुल बगल में। ग्राउंड ज़ीरो जैसा कि आप जानते हैं 9/11 में जो डिस्ट्रक्ट हो गया था, ख़त्म हो गया था, उसके बगल में इसको बनाया गया है। और एक फैलकॉन शेप में इसको बनाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका छत भी वैसा एक फैलकॉन बर्ड के शेप में बनाया गया है। और ये मेरे नीचे आपको पूरा जो है ये सेंट्रल एरिया दिख रहा है। एक बार मैं कैमरा घुमा देता हूँ, देखिए यहाँ पर लोग आके फ़ोटो खींच रहे हैं। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा एरिया, इसके भी ऊपर लोग जा रहे हैं। तो इसके ऊपर कुछ खास नहीं है, जस्ट एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है। ये देखिए मेरे पीछे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म, यहाँ पर लोग जा रहे हैं। और वहाँ पर फिर बाहर जाने का एग्ज़िट है, वहाँ से अलग अलग सबवे, अलग अलग ट्रेन का लाइन जा रहा है।
सो इस जगह को इन्होंने ऐसे बनाया कि आप अलग अलग पॉइंट से न्यूयॉर्क का ट्रेन लेके सबवे लेके यहाँ पर आके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में उतर सकते हैं। इस जगह पर आप उतरेंगे और यहाँ से फिर आप कुछ देर रह के कुछ देर स्पेंड करके बाहर जा सकते हैं। सो यही है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हिस्टोरिक प्लेस, जहाँ पर आपको पता है कि 9/11 का ट्रेजेडी हुआ था, उसके बाद इसको नए तरीके से बनाया गया ग्राउंड जीरो के बगल में। ग्राउंड जीरो वो एरिया है जहाँ पर बहुत ही अनफॉर्चुनेटली 9/11 का इवेंट में बहुत लोगों का जान गया था और बहुत बड़ा ट्रेजेडी, शायद ह्यूमन हिस्ट्री में वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेजेडी जिसको कह सकते हैं, वो हुआ था। हम लोग अब उसके बगल में खड़े हैं, इसके बाद हम लोग जाएंगे ग्राउंड ज़ीरो देखने और आपके साथ भी शेयर करेंगे कि हमारा ये ग्राउंड ज़ीरो का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो वीडियो में बने रहिएगा, इसके बाद हम लोग यहाँ से चल पड़ेंगे ग्राउंड ज़ीरो की तरफ। अभी हम लोग जा रहे हैं ग्राउंड जीरो की तरफ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं जहां पर अभी हम लोग थे, फैलकॉन शेप का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग, जहां पर हम लोग सबवे से आए और अभी फ़िलहाल हम लोग बाहर आ गए हैं। ये एरिया जैसे आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा, ये एरिया जैसे देखिए थोड़ा पार्क टाइप का है, यहां लोग बैठे हुए हैं, एक हैंगआउट टाइप का है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ ग्राउंड ज़ीरो वेयर वी आर राइट नाउ स्टैंडिंग, और जो 9/11 का ट्रेजेडी था वो इसी जगह पे हुआ था। सो यहाँ पर आए हैं आज हम लोग और आपको दिखाते हैं, यहाँ पर जो है एक फाउंटेन बना दिया गया है टू रिमेंबर दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स एंड लॉस्ट देयर रिलेटिव्स फ्रेंड्स। एक पूल साउथ पूल और एक और पूल है नॉर्थ पूल, ऐसे दो पूल बना दिया गया है जहां पर ये दो टावर था जो सितंबर 11 के अटैक में जो ख़त्म हो गया है। तो ये हमारे पीछे है साउथ पूल जहां पर एक टावर था, एक दूसरा है नॉर्थ पूल। तो ऐसे दो अलग अलग पूल बना दिया गया है और दोनों पूल में जिनका इस ट्रेजेडी में जिनका डेथ हो गया था उनका नाम लिखा हुआ है टू रिमेंबर देम। सो सेम सा है दोनों पूल, कोई ऐसा मुझे डिफरेंस नहीं दिखाई दिया, दोनों पूल सेम जैसा है और उसमें बॉर्डर में सबका नाम लिखा हुआ है जिनका इसमें डेथ हुआ था। और बीच में एक वर्ल्ड पूल जैसा है, सो बीच में एक सक्शन टाइप का है जो सारे पानी को अंदर ले लेता है और उसको रिसाइकिल करता है।